नमस्कार, इस समय मौजूद हैं राष्ट्रीय राजमार्ग जो नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे पर मौजूद हैं। आपको दिखा रहे हैं कि यह जो बड़ी बड़ी यहाँ पे डंफरे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ रही हैं, मगर सबसे बड़ी बात है कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा जा रहा है कि एक्सीडेंट का जो यह कारण बना, एक रोड पे जो एक बोर्ड भी नहीं लगा हुआ है कि यहाँ पे जो है बड़ी गाड़ियाँ नहीं आ सकती, मगर यहाँ पे जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ रही हैं, यह जो राष्ट्रीय राजमार्ग जो 29 जो यह नेशनल हाईवे जो रोड बना हुआ है, इसकी कंडीशन यह है। हम पहले जो है कुछ लोगों से बात करना चाह रहे हैं। राजीव कुमार पांडे, कहाँ के रहने वाले हैं? कोपागंज कस्बा के। ये बताइए, जो ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो सड़क है जी, इस पे जो चलने के लिए जो है दिक्कतें क्या आ रही हैं? दिक्कतें तमाम है सर, क्यों नहीं दिक्कत है। मैं तो खुद घायल हो गया हूँ, देख लीजिए मेरा असर फट गया है। ये यहाँ तक मैं 12-13 दिन अस्पताल में भर्ती था, यहीं पे मेरी घटना हुई है। ये जगह आप देखिए, ये बाद में सब मट्टी पाटे हैं, नहीं तो रात में दिखाई नहीं देता है। पूरा धूर गर्दा से जो है भरा हुआ होता है, उधर से मैं गाड़ी लेकर आ रहा था। ये पाटे नहीं है सब, ये आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पर, इसी में मेरी गाड़ी यहाँ लड़ी और मैं जो है वहाँ पर जाकर गिरा, और मेरे साथ वाला उससे दूर 20 फुट जाकर वहाँ पर गिरा, वो भी घायल हो गया, मैं भी घायल हो गया। ये तमाम देखिए मेरा चोटें ये लगा है, ये बोर्ड से लेकर यहाँ तक मैं 12-13 दिन अस्पताल में भर्ती था। ये तमाम इन लोगों को बोर्ड लगाना चाहिए, पहली बात ये मिट्टी पाट देना चाहिए ताकि कोई घटना दुर्घटना न घटे, और फिलहाल बोर्ड लगाकर लाइट की व्यवस्था करनी चाहिए। एक तो गाड़ियाँ आ रही हैं तो इतनी गर्दा उदिया रहे हैं कि आगे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप बताइए कि ये भिड़ेगा नहीं और लड़ेगा नहीं, एक्सीडेंट नहीं होगा। तमाम अभी 10 दिन हो रहा है, वहाँ पे 2 लड़के मर गए, मुस्लिम के लड़के मर गए, मोहल्ला बाजितपुरा के थे, 2 लड़के गाड़ी से मर गए, तमाम 20 फुट गड्ढे के नीचे गिर गए, गाड़ी ऊपर हो गई वो सब नीचे हो गए, बुलेट था और दोनों मर गए, तमाम लोग रोज घायल हो रहे हैं। इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार ये लोग हैं, NHAI के जो 4 लेन बनवा रहे हैं, JP जो ग्रुप है ये जिम्मेदार हैं, पूरे के पूरे जिम्मेदार हैं। अगर कोई मर गया, अगर जिस दिन दुर्घटना हो गई, अगर कोई ऐसी तैसी, तो फिर लोगों को समझ में आ जाएगा कि मैं क्या हूँ और क्या नहीं हूँ, फिर ये लोग भाग जाएंगे यहाँ से, नहीं तो तुरंत जितनी भी ये कमियाँ हैं इसको तुरंत पूरा करें और जो है लाइट की व्यवस्था करें, बोट की व्यवस्था करें, तमाम व्यवस्था करने के बावजूद उसके बाद जो है ऐसा कोई करें ताकि जो है लाइट की व्यवस्था रहे, कि ताकि आदमी देख कर चले, या तो पूरा सड़क बंद करवा दीजिए ताकि कोई नहीं आएगा इसमें, पूरा बंद करवाइए यहाँ से वहाँ तक, क्यों खोले हैं, आधा बनाकर आधा छोड़ दिए हैं। ये देखिए सबसे बड़ा मृत्यु के कारण ये है, ये देख लीजिए, ये अभी नया, ये अभी कल परसों में ये सब पाटे हैं, देख लीजिए ये कल परसों में पाटे हैं सब, वहाँ से बस उतना ही था, ये सब पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक सब जो है ऐसे खुला था, जो कि मौत का ये दावत दे रहा है, मौत का दुर्घटना, मौत की दावत दे रही है ये जान जाइए। देखा जा रहा है कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग पे जो यह मिट्टी जो नहीं पाटा गया है, उसके वजह से जो भी मतलब कि गाड़ियां आ रही हैं, और लोगों के अगल बगल ग्राम सभा है और लोग जो है आना जाना इसी पे जो लगा हुआ है, और लोग कहीं ना कहीं जो है दिखते बहुत काफ़ी है, मगर सबसे पहले जो है जो इस विभाग है HNY जो यह विभाग है उसको जो है यहाँ पे बोर्ड लगा देना चाहिए, या तो जो है इस रोड को जो है सही कर दुरुस्त करा देना चाहिए, और लोगों को न कोई जो किसी का एक्सीडेंट ना हो जाए। अगर सब पूछा जाए तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग का जो यहाँ से जो बात कर रहे हैं, जो यहाँ पे अभी जल्द ही जो है एक्सीडेंट हो गया था, और उनसे हम जो बात कर रहे हैं, यहाँ पे कैसा एक्सीडेंट हुआ था? यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, HNI विभाग के जो लोग ये काम करवा रहे हैं, 10 मीटर डालते हैं, फिर वहाँ पे जो है मिट्टी उट्टी नहीं डालते हैं, रोड को जो है चालू भी रखे हैं, कम से कम जो रोड ढाल दिए हैं तो उतना रास्ता जो है उनको रोक देना चाहिए, कि ताकि जो देखिए यहाँ पे रुक जाइए, दो मिनट भैया, यहाँ आप जाएंगे इस यादव मोड़ की तरफ, बता दूँ कि आजमगढ़ की तरफ जाएंगे तो लगभग मात्र यहाँ से 500 मीटर का तमसा नदी है, बिल्कुल आसान है। यहाँ पर मैं चाहूँगा अधिकारियों से कि दोनों तरफ नाले का निर्माण करके उस तमसा नदी में इस पानी को गिरा दिया जाए, कि ताकि यहाँ के आने वाली समस्या जो है यहाँ के स्थानीय लोगों से निदान मिल सके, बिल्कुल आसान है। यहाँ के पुल है लगभग 500 मीटर की दूरी पे।
है, वो देख रहे हैं कि यह किसी का मकान है, अगल बगल मकान है, मगर आप देख रहे हैं कि यह जो पुलिया में यह पानी भरा हुआ है, अगर पानी अगर खुल जाएगा तो किसी के घर में जाएगा और कितना है, मगर कहीं बोर्ड नहीं लगा हुआ है। हम कुछ ग्राम सभा के लोगों से बात करते हैं। यह कब से यह लगा हुआ है? 2017 से लगा हुआ है। क्या एक उम्मीद है कि कब तक ये बन अब जाएगा? तो वही लोग बताएं, हम लोग क्या बताएं, बनवाने ही वाले इनको बता सकते हैं, बताइए हाल। अब उस बगल नाले के है व्यवस्था, बाकी नाला भी नहीं है, पानी हमारे घर में जा रहा है, हम कैसे रहें? कल मैंने देखा इनको रम्मा से लेकर के बेचारे ऐसे कर रहे थे, हैं तो मैंने वही कहा कि अरे ऐसे 9 के जो भी लोग हैं इनको ये करना चाहिए। अब मैं गया भी वहाँ पे, लेकिन कोई मौजूद नहीं था उस समय। देखिए सबसे बड़ी बात, अच्छा बताइए इसे दिक्कत क्या है? दिक्कत समस्या तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे है रोड क्रॉस करना, दूसरी बात डस्ट, तीसरी कि इनके घरों में पानी जैसे बरसात स्टार्ट होती है तो उनके घरों में लबालब पानी लगभग सीने के बराबर पानी हो जाता है, इनका आना जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि 7x60 फुट यह पुलिया निर्माण हो रहा है, सरोज में आकर आप लोग देख सकते हैं। और मैं बता देना चाहता हूँ कि 2017 से इस NHIA का निर्माण हो रहा है, इससे पहले पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन हो चुका, लेकिन यहाँ पर 7x30 का पुलिया का निर्माण नहीं हो पाया। बताइए सवाल किससे किया जाए? नितिन गडकरी जी आपसे, यहाँ के स्थानीय निवासी लोगों से किया जाए। जैसे पानी के लिए निकास किधर से है? देखिए निकास यहाँ पर कोई नहीं है ना, तो यहाँ के स्थानीय जो निवासी जो है कोई व्यवस्था, लोग कह रहे हैं कि रोड के साथ साथ दोनों बाजू नाले का निर्माण किया जाएगा, परंतु यहाँ के लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि नाला बनेगा या नहीं बनेगा। जैसे बरसात आता है यहाँ पर पानी से लबालब 200 लगभग घर में पानी बिल्कुल एकदम आसानी के साथ जाता है, वहाँ जहाँ घर में रोटियाँ बनाई जाती हैं। मैं झूठ नहीं बोला हूँ, यहाँ के स्थानीय लोग हैं, पूछ लीजिए आप। ऐसी स्थिति है जो बरसात आते ही हम लोग को क्रॉस करना या कहीं भी आना जाना, सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि यहाँ के स्थानीय जो आला अधिकारी हैं NHIA विभाग के, जो सरोज में जो प्लांट बैठा है, यहाँ के सब भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए हैं, चोर इंजीनियर हैं सब यहाँ के। नहीं बिल्कुल बोलूँगा, बिहार के चोर इंजीनियर के तौर पर उत्तर प्रदेश में घुसपैठी चोर इंजीनियर मोतियाबिंद सब इंजीनियर बैठे हुए हैं, यहीं से आते जाते हैं, लेकिन उनको दिखाई नहीं देता है। बताइए यहाँ पर देखा जा रहा है कि बड़े बड़े इंजीनियर यहाँ पे लगे हुए हैं, मगर इंजीनियरों का यह जो है काफ़ी लगते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? डिंपल राय। डिंपल राय जी बताइए कि रहने वाले कहाँ के यहाँ पे? सरोज। सरोज के रहने वाले जी। क्या यहाँ HN9 की तरफ से कोई बोर्ड वोर्ड लगा है? कोई भी बोर्ड नहीं लगा है और बहुत काफ़ी दिक्कत होती है बड़ी गाड़ियों के चलने के, यहाँ से मतलूपुर से हैं जो बड़ी लालियाँ उधर चली जाती हैं, ठीक है ना, आज मऊ की तरफ, तो वो लोग वहाँ पे प्रशासन जो है वहाँ से इधर जो है वो कर देते हैं, जबकि 4 लेन का काम पूरा नहीं हुआ है। ये अति अति मतलब अब क्या बताया जाए। मगर इस बड़ी गाड़ियों के लिए रोक लगना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी बच्चे प्रभावित और बाकी लोग भी प्रभावित होते हैं इससे। हैं बताइए, अभी कोई बच्चा है, एक साइकिल, देखिए देखिए ये बच्चा है साइकिल चला रहा है, हैं ऑटो आ गया ठीक है, लेकिन उसके पीछे एक ट्रक है ना, है देख रहे हैं आप, हैं अब बताइए, देखिए बच्चा रुक गया। यदि जो अगर बच्चा अपने आंगन में ऐसे खेल रहा है, चाहे चलाने का वो कर रहा है सीख रहा है, फिर भी बताइए अब इसके नीचे जो आने पे क्या स्थिति होगी उसकी। हैं बिल्कुल बेकार, कोई मतलब ही नहीं है इसका, और लगना चाहिए, मेरी तरफ से नहीं पूरे सहरोज ग्रामवासी की तरफ से मैं बोल रहा हूँ। यह तेज गाड़ियाँ जो चल रही हैं और यह जो है ग्राम सभा के लोग हैं, अगल बगल बस्ती है और बस्ती के लोग जो है इधर से उधर जाते होंगे, मगर कहीं ना कहीं जो है ये लोगों का डर जो है बना हुआ है कि कभी भी कोई हादसा का शिकार हो सकता है।